यदि आपके घर का कोई भी सदस्य गलत रास्ते पर चलता हो या आपके बच्चे बिगड़ गए हों, आपका बेटा या बेटी आपका कहना नहीं मानते और गलत संगत में पढ़कर गलत कार्य कर रहे हैं, और यदि आप उन्हें सुधारना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने बिगड़े हुए बच्चों को या परिवार के बिगड़े हुए सदस्य को सही रास्ते पे ला सकते हैं और इस प्रयोग के माध्यम से उनका भविष्य संवार सकते हैं। तो आइए जानते हैं वह चमत्कारिक तांत्रिक प्रयोग जिसके माध्यम से आप अपने बिगड़े हुए बच्चों या परिवार के सदस्यों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में आपके बच्चे बिगड़ गए हो और किसी भी तरह से समझाने बुझाने पर भी आपका बात नहीं मानते हों और अपने ही ढंग से अपना जीवन यापन करते हों, दोस्त यारों के संगत में चल करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हों, आपके घर का कोई भी व्यक्ति यदि नशे का शिकार हो, शराब, गांजा, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का आदि हो, तो आप कहीं से यह रुद्रजटा नाम की जड़ी प्राप्त कर लीजिए। यह रुद्रजटा जड़ी है, यह मेल है और ये फीमेल है। ये दोनों जड़ी को हमारे छत्तीसगढ़ में हत्था और जोड़ी नाम से जाना जाता है। वैसे हत्था जोड़ी एक अलग ही वस्तु होती है जो कि अवैध है, उसे खरीदना और बेचना यह अपराध है, तो वह हत्था जोड़ी कदापि यूज न करें। यह रुद्रजटा नाम की जड़ी, जिसे देहाती भाषा में हमारे छत्तीसगढ़ में हत्था जोड़ी नाम से जाना जाता है, इसके प्रयोग से आप अपने बिगड़े हुए परिवार के सदस्य को या अपने बच्चों को इससे बिल्कुल सही रास्ते पे ला सकते हैं। सबसे पहले आप इन दोनों जड़ियों को, अर्थात मेल और फीमेल रुद्रजटा जड़ी को प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद उस व्यक्ति का एक पुराना कपड़ा जिसे उसने पहन करके छोड़ दिया हो, ऐसा कोई कपड़ा ले लीजिए और उस कपड़े में इसको लपेट दीजिए। लपेटने के बाद लाल आसन पर रख करके धूप, दीप, कुमकुम, चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से इसकी पूजा करें। तत्पश्चात महाकाली साबर मंत्र का 108 बार पाठ करें। यह महाकाली साबर मंत्र आप हमसे व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं और 108 बार इस महाकाली साबर मंत्र का पाठ करने के बाद आप इसे पूजा स्थान पर 21 दिनों तक रखें और नित्य प्रतिदिन 7 बार महाकाली साबर मंत्र का पाठ करते रहें। ऐसा करने से निस्संदेह आपके बिगड़े हुए बच्चे या आपके परिवार का कोई भी सदस्य जो अपने मार्ग से भटक गया हो, गलत संगत में पड़ करके गलत काम करता हो, वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाएगा और आपका कहना मानने लगेगा। यह एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद निस्संदेह आपके बिगड़े हुए बच्चे सही रास्ते पे आ जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।